हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबका बीपीएससी एग्जाम कंप्लीट हो चुका है फिजिकल एजुकेशन का, तो आप सबको रिजल्ट का इंतजार है। जैसा भी आप सबका एग्जाम गया होगा, उससे पहले आप सबके मन में एक ही डाउट है कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता, तब तक कट ऑफ के बारे में कोई फिक्सली कहा नहीं जा सकता। और जैसा कि फिर भी एक अनुमानता यह कहा जा सकता है कि जो बालिका वर्ग है, अगर वो 60 से ज्यादा लाई है, 60 से ऊपर है जनरल में, तो फाइट कर सकती है, वो पॉजिटिव रहे। और जो लड़कों में अगर 65 से ज्यादा है, तो उनका भी चांस बन सकता है। जैसा कि आपके मन में डाउट है कि 80 क्वेश्चन सही करने वाले ज्यादा संख्या में होंगे, तो ऐसा नहीं है। एक्का दुक्का होंगे, यानी अपवाद स्वरूप होंगे। ज्यादातर 80 तक लाने वाले नहीं है, ज्यादातर 75 तक पहुंचने वाले हैं, बट उतना ज्यादा नहीं है। तो 75-80 वाले बहुत कम हैं, 70 से नीचे जिसका भी होगा उसका चांस बनता है, लेकिन 65 से ज्यादा होना चाहिए बालक वर्ग में, तो उसका चांस जनरल में बन सकता है। अब जो भी होगा, रिजल्ट आने के बाद सब फिक्स हो जाएगा। बट आप ये मत कहिएगा कि हमने आपको ऐसा कहा था, एक भरोसा हो गया, क्योंकि एक कोई सिंपैथी आपको दे देता है, कोई भरोसा दिला देता है, तो आपके मन में ये हो जाता है कि चलो मेरा हो जाएगा। तो ये फिक्स मत समझिएगा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। अब फिर भी दोस्तों, जैसा भी एग्जाम गया होगा, निराश मत होइएगा, क्योंकि एक असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। जो भी आपने मिस्टेक किया है इसमें, उस सबको दूर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि तैयारी तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ रिवीजन न होने के चलते एग्जाम अच्छा नहीं जा पाता। और जो एग्जाम टाइम है, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आप हड़बड़ाहट में है या डिप्रेशन में आ गए हैं, ज्यादा सोच रहे हैं कि आपका एग्जाम कैसा जाएगा, इसके चलते कुछ क्वेश्चंस आते हुए भी मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीजों पर आप सुधार करने की कोशिश कीजिए और निराश मत होइए। अभी आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, और अपना पढ़ाई बंद मत कीजिए। रेगुलर बेसिस पे जैसे पढ़ते थे, जैसे प्रैक्टिस करते थे, उसी तरह करते रहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। अभी आपके यूपी में योगी एलटी ग्रेड का वैकेंसीज भी आने वाला है, एंड अभी ईएमआरएस आप सब दे ही रहे हैं, बहुत कम उसके लिए समय बचा है। तो आप सबके लिए ये कहूंगी कि इतना कम समय अब ईएमआरएस के लिए भी बचा है, तो आप सब यदि चाहेंगे तो मैं 10-12 दिन में आपको प्रैक्टिस ईएमआरएस के लिए कराऊंगी। अब यदि आपको प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी एग्जाम से पहले तक जितना हो सके। तो दोस्तों, आप सभी पॉजिटिव रहिए, ऑल द बेस्ट आप सबको, जय हिंद, जय भारत।